कुछ आपको प्रोग्राम्स प्रोवाइड करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉजिक्स रिगार्डिंग एरे में से एरे के एलिमेंट को किस टाइप से प्रोसेस करोगे, किस टाइप से ऑपरेशन अप्लाई करोगे यूजिंग लूप और विदाउट लूप्स। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को रिकवर करें बाय यूजिंग गिवन एग्जांपल्स। इस केस में जस्ट आपको बोला क्या गया, जस्ट आपको एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है विद फाइव एलिमेंट्स, क्लियर। देन एरे का टाइप क्या डिफाइन करना है, एज अ इंटीजर एरे विद फाइव एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन एलिमेंट्स क्रिएट करने जस्ट बाद एलिमेंट को डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशलाइज करना है, मे बी 1, 2, 3, 4, 5 और 10, 20 एनी वैल्यूज, क्लियर। नेक्स्ट वन आपको फाइनली कॉन्सेंट्रेट करना है एंड डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ द एरे विद लूप और विदाउट लूप, क्लियर। तो सबसे पहले मैं एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ विदाउट लूप, देन नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग लूप, देन दोनों केसेस को कंपेयर करें जिससे आपको समझ में आएगा एट द यूज ऑफ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट केस जस्ट सिंपल प्रोग्राम, इस केस में कुछ भी स्पेशल केस नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसको मैंने प्रोवाइड क्यों किया, जस्ट इंप्लीमेंटिंग योर लॉजिक्स और इंप्रूविंग लॉजिक्स। फर्स्ट वन जस्ट एरे क्रिएट करना है इंटीजर टाइप, इंट ए, साइज क्या डिफाइन किया है 5, देन एलिमेंट असाइन किया है 10, 20, 10, 20, 30 and 40 and 50, क्लियर। नेक्स्ट वन सेकेंड केस क्या बोला गया, इस केस में इनिशियलाइजिंग मीन्स एरे को मैंने डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइज किया, नेक्स्ट टाइम जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, डिस्प्लेइंग ऑल एलिमेंट्स। फर्स्ट केस में विदाउट लूप डिस्प्ले करा रहा हूँ, नेक्स्ट केस में डिस्प्ले कराऊँ बाय यूजिंग लूप। फर्स्ट वन डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स, डिस्प्ले विदाउट लूप। जस्ट इस केस में डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करोगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ। जब ये एरे कंस्ट्रक्ट होगा देन एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा, जस्ट अगर डायग्राम वाइज बात करें तो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग टोटल 5 एलिमेंट का एरे क्रिएट हुआ है, देन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0, 1, 2, 3, 4। नेम प्रोवाइड करेंगे जैसे A0, A1, A2, सिमिलरली A3 and 4। फाइनली इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है, एस ए। इनिशियल वैल्यू इज 10, 20, 30, 40 and 50। फर्स्ट केस जस्ट फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या कराना, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है A0, तो सिंपली इस केस में डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0। फिर बाद में इसको जस्ट कंपेयर करेंगे विद लूपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन अगेन फिर से उन्हें रिपीट किया, इस केस में प्रिंट एफ परसेंट डी, नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 1, देन अगेन प्रिंट एफ परसेंट डी ए ऑफ 2। नेक्स्ट टाइम सेम प्रिंट एफ से डिस्प्ले किया जाए वैल्यू ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा ऑलवेज 2। नेक्स्ट वन अगेन परसेंट डी वैल्यू ऑफ ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ एलिमेंट, वैल्यू क्या इसका 40। नेक्स्ट वन प्रिंट एफ परसेंट डी ए ऑफ 3, अभी सॉरी ए ऑफ 4। अभी करेंटली मैंने एरे के केस में साइज क्या क्रिएट किया था इसका एग्जैक्टली 5, इसलिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार राइट डन हुआ 5 टाइम। बट सपोज दैट पर एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स है, देन सेम प्रिंट एफ स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होने के चांसेस होंगे, देर मे बी चांस ऑफ रिपीटिंग 1000 टाइम्स। देन सेकेंड केस में इसको कंपेयर करूँ विद लूप और यूजिंग लूप, सेम एलिमेंट अगेन डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग लूप। अगर आप इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट कर देते हो ना, इस केस में चेक कर सकते हो इस ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट लॉजिक वाइज और कोडिंग वाइज कैसे सेम, ओनली इस केस में एवरी टाइम चेंजेस किस में हुए हैं, 0, 1 मीन्स इंडेक्स, एवरी टाइम एरे का नेम क्या सेम, ओनली चेंजेस किस में हो रहा है एरे इंडेक्स। फर्स्ट टाइम आपको इस केस में इंडेक्स वैल्यू का रिक्वायर्ड था 0, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इंडेक्स वैल्यू का रिक्वायर्ड हुआ 1, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, देन 4। सपोज दैट अगर एरे का साइज 1000 होता देन फाइनली लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा इसके इसमें 999, और वी कैन से 1000-1 और n-1। सेम लॉजिक अगर आपको लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करा देन इसके इसमें सब कुछ सेम है, ओनली बार बार चेंजिंग किस में इंडेक्सेस में, तो इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए सिंपली लूप यूज कर लेंगे लाइक दैट 4। लूप के केस में ऑलवेज एरे के एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स फिक्स्ड है ऑलवेज 0, इसलिए ऑलवेज इनिशियलाइजेशन किस प्लेस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, क्लियर। देन नेक्स्ट इस केस में कंडीशन क्या जाएगा, इसका साइज क्या है
5, then कंडीशन में क्या राइट डाउन करो, आई लेस देन इक्वल्स टू 4 और सिंपली आई लेस देन 5. अगर आप लेस देन इक्वल यूज करें देन क्या यूज करोगे 4, अगर आप केवल लेस देन यूज करें देन 5. देन एवरी टाइम चेक कर सकते हो सीरीज के अंदर टेबल के अंदर जस्ट डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 1 का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देन परफॉर्म क्या कराएंगे एवरी टाइम आई प्लस प्लस. देन जो स्टेटमेंट प्रीवियस केस में मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा था, इसे स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करके ओनली कितनी बार राइट डाउन करो, ओनली 1 टाइम्स. प्रिंट एफ परसेंट डी देन ए ऑफ प्रीवियस केस में इंडेक्स फिक्स था आइदर 0 और 1 2 3 4, लेकिन इस केस में इंडेक्स फिक्स्ड है, बार बार चेंज होगा, बार बार चेंज होगा. फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्या रिक्वायर्ड 0, सेकंड टाइम 1. तो आपको पता है जब ये लूप इटरेट हो तो लूप के अंदर आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा 0, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा 1, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा 2, नेक्स्ट टाइम 3 एंड सो ऑन. मींस फाइनली सारे के सारे इंडेक्स रिप्रेजेंट किस फॉर्म हो रहे हैं, द फॉर्म ऑफ आई. देन फाइनली इंडेक्स के प्लेसेस पर जस्ट वेरिएबल यूज करेंगे एज आई. अब इस केस में अगर एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट हो या थाउजेंड एलिमेंट हो, लेकिन ये लॉजिक या प्रिंट एफ कितनी बार राइट डाउन करो, ओनली 1 टाइम, इज कॉन्स्टेंट टाइम. एग्जीक्यूशन एन टाइम होगा, लेकिन इस केस में कोड कितनी बार रिपीट हुआ है, एन टाइम्स और ओनली 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम. दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेसिंग और इटरेटिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप. अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं जस्ट, इस केस में आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत होगी इन केस ऑफ लूप, इंटीजर वेरिएबल आई. मीन सेम प्रोग्राम फर्स्ट केस में एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड केस में एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों केसेस में इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स. जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इसके अंदर मैंने सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया आई, और आई के केसेस में जब लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले लूप के अंदर परफॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, देन आई का वैल्यू क्या हुआ इस केस में 0. क्लियर, दिस इज द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या 0, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं, कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या 0, 0 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू होने के इसमें कंट्रोल का सेंड हुआ इन साइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बॉडी पार्ट में प्रिंट एफ के अंदर आई के प्लेस पर रिप्लेस करोगे आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या 0, इसलिए प्रिंट एफ के थ्रू जस्ट प्रिंट क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 में करंटली वैल्यू क्या फंड हो रहा है 10, इसलिए प्रिंट क्या हुआ इससे फर्स्ट टाइम वैल्यू एज 10. नेक्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद परफॉर्म क्या हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हो रहा है आई प्लस प्लस, देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 1. अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद परफॉर्म क्या हुआ, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करंट वैल्यू ऑफ आई विच इज 1, देन अगेन 1 लेस देन 5 ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट, बॉडी के अंदर अगेन आई के प्लेस पर रिप्लेस करोगे आई का नेक्स्ट न्यू वैल्यू, और आई का नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या है 1, इसलिए रिप्लेस क्या हुआ प्रिंट एफ में ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 20, इसलिए प्रिंट एफ के अंदर फाइनली इस केस में वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है 20, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ डिस्प्ले भी क्या करेगा ऑल्सो 20. देन प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन क्या परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा एज 2. क्लियर, आई प्लस प्लस के बाद अगेन कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आई का वैल्यू 2, अगेन कंडीशन कैसा है ट्रू, ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ मीन्स प्रिंट एफ, लेकिन प्रिंट एफ के अंदर अब करेंटली आई का वैल्यू क्या है 2, इसलिए इंडेक्स के प्लेस पर रिप्लेस भी क्या करोगे 2, और ए ऑफ 2 में करेंटली क्या स्टोर 30, इस प्रिंट एफ में ए ऑफ आई के प्लेसेस पर वैल्यू का रिप्लेस होगा 30, इसलिए प्रिंट एफ डिस्प्ले क्या करेगा वैल्यू एज 30. अगेन प्रिंट एफ के जस्ट बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 3, 3 के केस में अगेन कंडीशन टेस्ट कराओ तो कंडीशन में आई के प्लेस पर नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस करेंगे करंट वैल्यू ऑफ आई विच इज 3, 3 लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू, देन परफॉर्म क्या कराओ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के केसेस में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ आई विच इज 3, और ए ऑफ 3 का करंटली वैल्यू क्या है 40, इसलिए नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ में रिप्लेस होगा वैल्यू एज 40. क्लियर, नेक्स्ट प्रिंट एफ जस्ट डिस्प्ले करेगा वैल्यू एज 40, अगेन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 4, देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, और आई का वैल्यू 4 है इसलिए रिप्लेस क्या कराएंगे 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले क्या कराएंगे अगेन वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, आई के केस में आई एवरी टाइम चेंज होगा क्यों आई क्या है वेरिएबल, और आई का वैल्यू 4 है इसलिए रिप्लेस क्या कराएंगे 4, चेक कर सकते हो डायग्राम में ए और ए ऑफ 4 का वैल्यू क्या है 50, रिप्लेस क्या हुआ प्रिंट एफ के अंदर 50, इसलिए डिस्प्ले क्या करेगा 50.
Next time again I++. Now I becomes 5. Then again condition testing. Condition में क्या करोगे? Just 5 less than 5. Condition is true or false. Condition becomes false. जैसे condition false हो, control constant हो, outside loop इस पर found क्या हो रहा है इस केस में? Closing. इस type से loop का use करके array के सारे element process करना possible है. One more thing, especially यार रखना, अगर आप कोई भी operation a of i के लिए provide करें inside loop. लूप के अंदर जब भी कोई भी ऑपरेशन a ऑफ i के लिए अप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है? ये ऑपरेशन एरे के सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई हो रहा है, क्योंकि i से रिप्रेजेंट किया हुआ इंडेक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स.